नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र, अहम खबर आपको बता दें, जहां शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन पेश होगा अनुपूरक बजट। किसान सड़क का समेत विकास कार्यों के लिए होगा बजट का ये पूरा प्रावधान। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश होना है, किसान सड़क समेत विकास कार्यों के लिए ये बजट का खबर आपको इस वक्त की बता दें, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र, बड़ी खबर इस वक्त की, जहां शीतकालीन सत्र को लेकर के देखिए, पहले अहम बैठक हुई, उसके बाद कल पहला दिन था इस शीतकालीन सत्र को लेकर के, और उसके बाद आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन से अनुपूरक बजट पेश होने की बात कही जा रही है, जहां शीतकालीन सत्र को लेकर के अनुपूरक बजट पेश होगा। तो दूसरे दिन होगा पेश अनुपूरक बजट, किसान सड़क समेत विकास कार्यों के लिए लेकर के ये अनुपूरक बजट पेश हो रहा है, और इस बजट के बाद देखने वाली बात हो किस तरीके से विपक्षियों के द्वारा हंगामा किया जाता है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना भोपाल से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। कुलभूषण, विधानसभा सत्र को लेकर के आज अनुपूरक बजट पेश होगा, क्या कुछ अपडेट आपके पास, विपक्षियों को लेकर के किस तरह की जानकारी? देखिए, अगर बात की जाए तो आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन जो है विपक्ष का काफी हंगामा आज हमें सदन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2013 के बाद 2022 में कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव आरोप पत्र सरकार के खिलाफ लाई है। ऐसी स्थिति में अभी तक जो है अविश्वास प्रस्ताव को सदन में स्वीकारा नहीं गया है। कार्य मंत्रालय की कल बैठक हुई थी, लेकिन इस बैठक के बाद भी जो है अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकारा नहीं गया। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो है आज हंगामा कर सकती है, क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस ने तैयारी की है कि महिलाएं सहित महंगाई, युवाओं की बेरोजगारी, किसान, खाद बीज, ऐसे तमाम समस्याओं को लेकर, कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर जो है आज सदन में सरकार को विपक्ष घेरता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर विपक्ष की बात करें तो जहाँ विपक्ष सदन के अंदर सरकार को घेरेगा, तो वहीं सरकार की भी रणनीति कल मुख्यमंत्री के निवास में बनी है। बैठक के दौरान कल 7:30 बजे विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली है और इस बैठक में तमाम विधायक मौजूद थे। और बैठक में कैसे जो है विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाए, विकास कार्यों की गिनती कराई जाए कि मध्यप्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है चर्चा और रणनीति बनी है। वहीं अगर हम बात की जाए तो आज जो है सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और 11 बजे सबसे पहले विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। 11 से 12 बजे का जो समय रहता है वो प्रश्नकाल का समय रहता है, जो तमाम विधायक होते हैं जिन्होंने ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रश्न लगाया है वो अपने क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं समस्याएं बताते हैं, और इसके साथ ही विकास कार्यों और अन्य सुविधाओं के लिए जो है चर्चा होती है। तो 11 से 12 का जो समय रहता है प्रश्नकाल का रहता है। तो आज सदन की कार्यवाही में जो है काफी हंगामा देखने को मिल सकता है। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद जो है सदन में विपक्ष काफी हंगामा कर सकता है। और अनुपूरक बजट की अगर हम बात करें तो इस बजट में किसान, महिला और युवाओं पर मेन फोकस किया गया है, विकास कार्यों पर मेन फोकस किया गया है, विकास कार्यों को लेकर जो है ये पूरा अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। तो आज जो है काफी हंगामेदार सदन हमें देखने को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के पूरी तैयारी की जा चुकी है, यहाँ पर एक तरफ जहाँ सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, कई सारे विकास की परियोजनाएं देती हुई नजर आएंगी, कई सारी विकास की तमाम चीजें प्रदेश के लिए, और दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तैयारी में है। इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए कुलभूषण आपका बहुत शुक्रिया।